नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज 1 अगस्त है, साल के 8वें महीने का ये पहला दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। मानव समाज में जितनी भी संस्थाओं का अस्तित्व रहा है उनमें सबसे भयावह दासता की प्रथा है। मनुष्य के हाथों मनुष्य का ही बड़े पैमाने पर उत्पीड़न इस प्रथा के अंतर्गत हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य ने औपचारिक रूप से अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को साल 1833 के दासता उन्मूलन अधिनियम के पारित होने के साथ ही समाप्त कर दिया। ये कानून आज के दिन यानी 1 अगस्त साल 1834 को लागू हुआ था, जिसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में सभी दासों को ब्रिटिश कानून के तहत स्वतंत्र माना जाता था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्ध को कहते हैं। ये महायुद्ध यूरोप और एशिया अफ्रीका तीन महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। जर्मनी ने आज के दिन 1 अगस्त साल 1914 को प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। जर्मनी ने तब रूस पर युद्ध की घोषणा की थी। अपनी युद्ध योजना के अनुसार इसने रूस को नजरअंदाज कर दिया और 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर और उत्तर से पेरिस पर हमला करने के लिए बेल्जियम के माध्यम से अपनी मुख्य सेनाओं को युद्ध के लिए भेजा। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। आज के दिन यानी 1 अगस्त साल 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। 6 जुलाई 1942 को एना फ्रैंक को एक डायरी मिली, लेकिन एक महीने के भीतर ही उन्हें, उनके पिता और बड़ी बहन को एम्स्टर्डम के एक गुप्त स्थान पर छिपने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये वही डायरी थी जो एना की मौत और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में फेमस हुई। आज के दिन 1 अगस्त साल 1944 को एक यहूदी लड़की नीदरलैंड के नाजी कब्जे में 2 साल बिताकर वापस लौटती है। उसकी कहानी एनी फ्रैंक की डायरी के अंतिम प्रविष्टि में दर्ज की गई थी। गेम ऑफ थ्रोन्स डेविड बेनियोफ और डीबी वेस की बनाई एक अमेरिकी काल्पनिक नाटक टीवी सीरीज है। ये नाटक जॉर्ज आर आर मार्टिन की काल्पनिक उपन्यासों की श्रृंखला अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर आधारित है। आज के दिन अमेरिकी लेखक जॉर्ज आर आर मार्टिन ने अ गेम ऑफ थ्रोन्स उपन्यास प्रकाशित किया था। अ गेम ऑफ थ्रोन्स उपन्यास पहली बार आज के दिन 1 अगस्त साल 1996 को पब्लिश हुआ था। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।